हे हेलो गाइस। तो गाइस सबको वेलकम गाइस जीएसके भाई के न्यू वीडियो में। और गाइस इस वीडियो में जो है बहुत सारे चीज़ के ऊपर मैं बातचीत करूंगा। और गाइस जो भी बांग्ला बांग्ला जाने जा रहा जरा बांगाली तादेर जोने एक सरप्राइज आछे शेषे ओटा गाइस। तो वीडियोटा पूरा देखते हो। तो गाइस जो भी बंदे देख रहे हो वीडियो को पूरा देखो एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड गाइस और गाइस बहुत सारे कमेंट रहते हैं, मेरे को दिन में 50 कमेंट आ जाते हैं जी इसके बाद टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर वीडियो बनाए। तो गाइस इस वीडियो में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो मैं पहली बार ही बना रहा हूँ, पहले मैंने ठीक से बनाया नहीं कभी टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह वगैरह। तो गाइस पहली बात गाइस मैं पहली बार बना रहा हूँ और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है इसमें। और गाइस देखते रहो पूरा वीडियो को, मैं खेल रहा हूँ अभी सोलो वर्सेस स्क्वाड रैंक। एंड गाइस मैं आपको दूंगा बहुत ही तगड़े वाले टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड गाइस देखो गाइस वीडियो को एंजॉय करो और आखिरी में एक सरप्राइज भी है। और गाइस मैं क्यों स्ट्रीम नहीं करता उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और गाइस जब भी तुम लैंड करो एक चीज़ का ख्याल रखना कि नीचे देखते हुए लैंड करो, पीछे तो देख ही लेना कि पीछे कौन कौन से बंदे कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। ये पहली बात उतरने के टाइम पहली बात ये होता है कि आपने पीछे देख लिया करो कौन सी बंदे किस डिग्री पे किस एंगल पे लैंड कर रहा है। तो आप जितना हो सके उससे दूर लैंड करने की ट्राई करो, थोड़ा दूर लैंड करना, ठीक है। थोड़ा दूर लैंड करने के बाद गाइस मैं यही बोलूंगा कि जब आप लैंड करते हो ना तो नीचे की तरफ देखो कि कहाँ पे अच्छी गन्स है। बहुत सारे गन्स नीचे अवेलेबल होते हैं बट आप देखोगे कहाँ पे अच्छे है। अगर आपको एक एक ऑप्शन मिलता नीचे उतर के तो गाइस आप ऑब्वियसली एक एक के ऊपर लैंड करो, क्योंकि उतरने के बाद MP40 और AK ये दोनों गन्स बहुत ही मतलब बहुत लाजवाब होता है। और गाइस उतरने के टाइम मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी जगह पे तुम लैंड कर रहे हो तो भाई उतरने के टाइम ना गाइस MP40 से भी जो है अच्छा गन होता है AK-47, क्योंकि AK-47 में 30 गोली मिल जाता है और गाइस 30 गोली और एक बंडल मिल जाता है, तो टोटल 60 गोली मिल जाते हैं, एमओ 60 एमओ मिल जाते हैं। एंड गाइस 60 एमओ इनफ होता है भाई मतलब चार बंदे को मारने के लिए AK-47 से, ठीक है। और MP40 भी अच्छी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट क्या होता है उतरने के टाइम अगर आप AK-47 MP40 देखो नीचे की तरफ, आप ट्राई करो कि गन के ऊपर लैंड करने का, उसके ऊपर अगर आपको AK-47 दिखती है या स्कार दिखता है असोल्ट राइफल अगर दिखता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो असोल्ट राइफल के ऊपर लैंड करने की। पहली टिप्स एंड ट्रिक्स तो यही हो गया, ठीक है। अभी गाइस देखो मैंने जस्ट मैं उधर से लूट बूट करके लूट करो, हाँ लूट। तो गाइस पहली बात उतर के लूट करो, सामने एक बंदा मैंने देखा, गाइस सामने एक बंदा है मैंने देखा एंड लूट क्या है गाइस। अगर आप सोच रहे हो कि आप असोल्ट राइफल तो आपको AK-47 मिल गया, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको MP40 फ्यूचर में उठाना है, मतलब थोड़ी देर बाद गेम में आपको MP40 लेनी है, बट MP40 आपके पास नहीं है, आपके पास MP5 या दूसरी कुछ UMP वगैरह है, और UMP MP5 में क्या होता है इसमें स्टॉक नहीं आता, ठीक है ना। तो गाइस अगर आप सोच रहे हो कि MP40 लोगे सामने जाके आपको मिल जाएगा तो गाइस स्टॉक पहले से ही उठा लो, अगर आसपास कहीं पे स्टॉक मिलता है तो उसको उठा के रखो। जब MP40 आपको मिलेगा तो स्टॉक को उसमें यूज कर लेना, ये बहुत बड़ी चीज है, पहले उठा लेना बहुत काम आती है। एंड गाइस यहाँ पे मैंने राइट साइड में एक बंदा देखा बट वो बंदा तो उधर ही था, बट इधर से मैंने और पाइप देखा सामने एक और स्क्वाड आ गया। तो गाइस उसमें के लिए एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया, देखो गाइस एक बंदे को नॉक कर दिया, ये दूसरा बंदा आया एंड दूसरा बंदा भी हेडशॉट लगी ये नॉक, तीसरा बंदे को भी गाइस हेडशॉट लगी नॉक, चौथा बंदा जो गाइस यहाँ पे घूम रहा था उनको रिवाइव देगा क्या देगा वो समझ नहीं पा रहा था। और गाइस उसने बिठा दिया अपनी ग्लो वॉल, बहुत सही गाइस। एक बात यहाँ पे सीख मिलती है, कभी भी अपनी दुश्मन को मौका मत दो गाइस, मौका कभी भी मत दो गाइस। चारों बंदे खत्म, इनके पूरा स्क्वाड खत्म, ठीक है गाइस। तो गाइस एक चीज होगा कि बंदे को कभी मौका मत दो। क्या होता है कि बहुत टाइम आप लोग मौका देते हो, कहाँ पे मौका देते हो मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपने बंदे को थोड़ा सा डैमेज दिया, बंदा रिवाइव ले रहा है, ठीक है ना गाइस। आपने थोड़ा सा डैमेज दिया, बंदा रिवाइव ले रहा है एंड आप लोग जो है उस बंदे को रिवाइव लेने के लिए मौका देते हो, वही चीज़ गलत होता है। अगर आपके पास उससे ज़्यादा हेल्थ है तो आप रश करो, ये तो मैं ऐसा करता हूँ गाइस, ठीक है। तो ये मेरी ओपिनियन है कि बंदे को कभी मौका ना दो, क्योंकि अगर उसको मौका मिलेगा उसी मौके के फ़ायदा उठा के वो आपको बाहर करेगा, ठीक है, और आप कहीं ना कहीं यार मर भी सकते हो, तो कभी मौका मत देना चाहिए। तो यहाँ पे एक स्क्वाड मैंने मार दिया एंड गाइस सामने की तरफ हम लोग रश करेंगे। दूसरा पॉइंट गाइस ये आता है गेम के अंदर, जोन को कभी मतलब इग्नोर मत करो, जोन को कभी इग्नोर मत करो, ये बहुत बुरी चीज़ होता है। जोन क्या होता है, जोन आपको डैमेज नहीं देगा लेकिन हालात आपको डैमेज दे देगा, ठीक है। क्या होता है कि आप लोग जोन में बहुत बंदे जोन को डैमेज मतलब जोन को इग्नोर कर देते हो, जोन को इग्नोर करने से क्या होता है आप जोन के अंदर चले आते हो, मतलब जोन टच कर जाता है आपको एंड जोन जैसे टच करता है आप अंदर जाते जाते कोई बंदा फायदा लूट लेता है। दूसरी तरफ जो बंदा मेरे को पहली बार देखा था वही बंदा वही साइड पे था, तो मेरे को कहीं ना कहीं लगा बंदा वही पे होगा, तो बंदा वहीं से आ रहा था। मैंने सोचा कि पीछे एक बंदा रह गया तो वो बंदा तो उधर से ही आएगा, तो मैंने जस्ट पीछे देखा एंड वो बंदा उधर से ही आ रहा था। तो मैंने पहले उसको AK से डैमेज दिया, छुप के बैठा था, AK से थोड़ा डैमेज दिया। उसके बाद गाइस
जो असली बात है ना उसको मौका नहीं दिया, उसको जैसे मैंने फर्स्ट टाइम डैमेज दिया तो डैमेज देने के बाद वो जो रिवाइव मारेगा ना उस मौके को आपको नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो बंदे को मैंने एक से डैमेज दिया, बंदा जैसे रिवाइव मारने की कोशिश कर रहा था मैंने उस पर रश कर दिया, तो मौका एक बड़ी बात है, उसको कभी मत देना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे गाइस आखिरी में जो है 9 बंदे बचे थे, मतलब 2 स्क्वाड और मैं अकेला, तो मेरे को थोड़ा छुप के सर्वाइव करके लेना था, क्योंकि आप बंदे को मतलब बंदा आपको देखो ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है ना गाइस, कि बंदे आपको देख ले ऐसा वो नहीं होना चाहिए, आप बंदे को देख लो बट बंदा आपको ना देखे, इस तरीके से ट्राई करो खेलने का, ठीक है गाइस। तो इससे गाइस आपको जो है फायदे में रहोगे आप, कि आपको पता रहेगा कि बंदा इस तरफ है, आपको उसने नहीं देखा बट आपने उसको देख लिया, ठीक है। तो थोड़ा सर्वाइव करके थोड़ा मतलब देखो मैं इस तरफ से क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि यार बंदा ऊपर से मेरे को देख नहीं पाएगा बट मैं नीचे से ऊपर देख पाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से आपको जो जहाँ से जा रहे हो उस जगह पर भी भाई एक दिमाग है कि इस जगह से जाने पर मेरे को फायदा होगा, उस जगह पर जाने के भी एक मतलब तरीका होता है कि इस तरफ से जाता हूँ, इस तरफ से जाने पे नहीं दिखेगा कोई, उस तरफ बंदा हो सकता है, उस तरफ वो लोग लड़ेंगे, तो इस तरह से आपको दिमाग में सोच लेना होगा कि इस तरफ से मैं जाऊँगा और चारों तरफ नज़र रख के, अब अगर पीछे की तरफ या पीछे की तरफ देखो, लेफ्ट राइट चारों तरफ देख लिया करो, ठीक है, चारों तरफ देख लिया करो। अभी मेरे को लग रहा है कि आसपास कोई गाड़ी है, तो मैंने फटाक से भाई जो इस तरीके से मतलब मेरे को लड़ना नहीं है, मेरे को अभी सर्वाइव करना है, क्योंकि 2 स्क्वाड है, ठीक है, अभी 2 स्क्वाड है उनको लड़ने देना है, एंड उसके बाद मैं बीच में घुसूंगा कि उनको दोनों को पेलने के लिए, ठीक है। तो अभी गाइस जो भी बंदे देख रहे हो अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कर देना, एम रखते 5000 लाइक की ज़रूर कर देना, एंड पूरा वीडियो देखते रहो, इंजॉय होगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। एंड गाइस लेट्स स्टार्ट गाइस अगेन। तो यहाँ पे गाइस सामने की तरफ 2 बंदे लड़ रहे थे और आप मेरे को पीछे की तरफ से जाना था, मैं पीछे की तरफ से घूम के चला गया, पीछे की तरफ से जैसे घूम के चला गया सामने 2 बंदे थे, और गाइस यहाँ पे सबसे जूम करके कभी मत मारा करो, अगर बंदा AK-47 यूज़ कर रहा है और सामने बंदा है तो कभी जूम करके नहीं मारा करो, ठीक है। अगर बंदा आपको फायरिंग कर रहा है तो आप उसको जूम करके मारो, बट अगर बंदा आपको फायरिंग नहीं कर रहा तो यार ज़्यादा से ज़्यादा अगर नज़दीक है बंदा तो आप जूम करके मत मारो, AK में मतलब स्कोप के बिना अच्छा डैमेज दे देता है, ठीक है, ये बात बहुत सही है और बहुत हाई फायर रेट है। और सामने अचानक से वो दोनों बंदे जैसे खत्म हो गए, ये 4 बंदे मिलकर रश कर दिए। गाइस यहाँ पे एक बुरी चीज़ हुई, यहाँ पे गाइस 3 बंदे आप लोगों ने देखा कि ग्लू वॉल के पीछे से 3 बंदे आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 मतलब नेट किया, नेट करने के बाद ये दोनों बंदे तो नॉक हो गए नेट पे गाइस देख सकते हो, बट यहाँ से पीछे की तरफ से और 2 बंदे कहाँ से आ गए मेरे को पता नहीं है। देखो वहाँ पे 3 बंदे थे, यहाँ पे 2 बंदे हैं, टोटल कुल में लगे 4 बंदे होने चाहिए बट यहाँ पे 5 बंदे आ गए थे, मेरे को समझ में नहीं आया एक बंदा घूम के आ सकता है पता नहीं। तो मैंने 3 बंदे को नॉक कर दिया, 3 बंदे को नॉक करने के बाद और आखिरी में एक बंदा था उसी टाइम पे मेरा लैग मारा, गाइस आप लोग देख सकते हो मेरा आखिरी में लैग मार रहा था तो मेरा चिपक गया, और गाइस जो है यहाँ पे मेरे को 11 किल में बुया होने वाला था, मतलब मेरे 7 किल हो चुके थे, मेरे को 25 बंदे देख रहे थे, 7 किल हो चुके थे मेरे, 25 बंदे देख रहे थे, और मैंने इनका 3 बंदा नॉक हो चुका था और एक बंदा बचा था उसको मैं मार रहा था भाई, उसी वक्त लैग हो गया, ठीक है, उसी वक्त लैग हो गया और मैं मर गया। तो गाइस इस गेम में बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलती है। एंड गाइस एक और चीज़, कभी भी मतलब खुले में लड़ाई मत करो, अगर तुम्हारे पास ग्लू वॉल है, बहुत सारे बंदे ग्लू वॉल बचाने के चक्कर में यूज़ नहीं करते तो बुरी बात है, ग्लू वॉल यूज़ क्या करो, वो अच्छी चीज़ है। एंड गाइस अभी आपको बताता हूँ मैं स्ट्रीम क्यों नहीं करता, तो स्ट्रीम नहीं करता गाइस अभी, गाइस आप लोगों ने देखा वहाँ पे लैग कर रहा था, और गाइस अभी आप देखो कि कितना लैग करता है गाइस मेरा, मतलब हाल फिलहाल में ना इतना लैग हो रहा है ना, मतलब मैं इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस आई होप कि बहुत जल्दी गाइस जो है इस लैग को मैं सोल्यूशन निकाल लूँगा, यार मेरी लैग फिक्स हो जाएगा, मेरे को पता है कि इससे बहुत नुकसान हो रहा है, मेरी सब्सक्राइबर गेन नहीं हो रही, मेरी व्यूज़ नहीं आ रहे, बट जैसे मेरा लैग फिक्स होता है, मेरा नेटवर्क फिक्स होता है, मैं फिर से जो है स्ट्रीम करना शुरू करूँगा, फिर से धीरे धीरे ग्रो हो जाऊँगा, वो बड़ी बात नहीं। गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैं राकेश भाई के साथ खेल रहा था एंड फिर से लैग, गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैं इसी चीज़ को आपको दिखा रहा था कितना ज़्यादा लैग करता है, लेकिन बड़ी बात ये नहीं है लैग, बड़ी बात है मैं जब स्ट्रीम करता हूँ अगर मेरा लैग भी करता है एंड मैं मर जाता हूँ, तो आप ही लोगों में से भाई बहुत बंदे कमेंट करते उल्टे सीधे, तो यार मेरे को उसी चीज़ का बुरा लगता है यार, कि यार इतनी अच्छी गेम परफॉर्मेंस देके मैंने 5 लाख 5.5 लाख सब्सक्राइबर बनाए एंड गाइस जब मैं मर जाता हूँ लैग वगैरह कुछ भी मेरे परेशानी, तो यार आप लोग नहीं समझ पाओगे ना, बहुत ज़्यादा बंदे समझ नहीं पाएंगे, तो भाई उसी जगह पर अगर मर जाता हूँ तो वो लोग हेट कॉमेंट्स करते हैं, तो इस जगह पर मेरे ख़राब लगता है, इसलिए मैंने स्ट्रीम करना छोड़ दिया। कभी जब मेरा स्ट्रीम मतलब सही चलेगा, स्मूथ चलेगा, मेरी गेम स्मूथ चलेगी तब मैं स्ट्रीम करूँगा, क्योंकि यार मेरे को बुरा लगता है यार कि कोई नोबरा बंदा मेरे को मार के बोलेगा अरे मैंने तो यार जीएस को मार दिया, यार जीएस के तो नोबरा है, तो वो बात मेरे को खराब लगता है कि एक नोबरा उल्लू जो खेलना नहीं आता उसने मेरे को लैग की इशू की वजह से मेरे को मार दिया और बाद में कमेंट करेगा। तो गाइस यहाँ पे भी मैंने उतरने के टाइम आपको लैग दिखाया, और गाइस यहाँ पे भी मैं लैग दिखाता हूँ, गाइस ये देखो
देखो गाइस यहाँ पे भी लैग करेगा और गाइस यहाँ पे भी चिपक जाएगा, तो मैं इसी एक ही गेम में कितने सारे लैग्स होते हैं गाइस देख सकते हो मैं। ये देखो गाइस चिपक गया। तो गाइस ये बार लैग की बात छोड़ो, आप लोगों को पता चल गया कि इसलिए स्टीम नहीं करता। मैं ये जल्दी इसकी सॉल्यूशन निकालूंगा और फिर से स्टीम करना शुरू करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे राकेश भाई भी मर गए, मैं भी मर गया। मेरे को तो गाइस मैं जो बात कर रहा था सरप्राइज की, तो गाइस मैंने शुरू किया है बंगाली दूसरी चैनल। तो गाइस जितने बंगाली मेरी यूट्यूब चैनल देखते हो तो गाइस मेरी कमेंट बॉक्स पर डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक रहेगा, जाके सपोर्ट करो उस चैनल को। अगर अच्छी खासी सपोर्ट आने लगे तो मैंने शुरू करना है गाइस बंगाली ब्लॉग। तो गाइस बंगाली ब्लॉग मेरे को शुरू करना है, तो गाइस जाके अच्छा सपोर्ट करो एंड देखते हो अगर अच्छी खासी रिस्पॉन्स आता है तो शुरू करेंगे। तो गाइस लव यू गाइस, बाय बाय।